नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज हम स्टॉक टॉक में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में और इससे जुड़ी हुई जो कुछ न्यूज निकल के सामने आई है, बहुत ही कमाल की न्यूज है। और यदि आप इसमें इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग इस चैनल पे नहीं आए, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको रियल टाइम अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड तो फ्रेंड चलते हैं और हम देखते हैं कि वो दो न्यूज क्या निकल के आए, उसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से पता होगी न्यूज क्या है, हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अभी आप देखिए जो न्यूज निकल के आई है आज 24 अगस्त को, ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है कि न्यूज की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को जो 10 ईयर में पे करना है, उसका जो ड्यूज है 54,000 करोड़ का, उसको 20 ईयर्स करने का। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा यदि ऐसा हो पाता है तो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट ने पहले भी रिकमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ऑर्डर पास किया था कि उसको 10 साल के अंदर ही पे करना है। तो गवर्नमेंट अब ऑप्शन क्या बचता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो लीगल उनके एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रही है और एक पॉसिबल तरीका निकालने की कोशिश कर रही है जो लीगल तरीका हो और जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो वहां से और जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आई है इस आर्टिकल में भी और अदर जगह पे भी, वो ये है कि ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है कि ये 20 ईयर हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है बट बहुत ही जल्दी आने वाली है। ये तो होगी पहली न्यूज, यदि ये आ जाती है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा वोडाफोन आइडिया को इमीडिएटली, जो इनको बहुत ज्यादा पेमेंट करना होता है, जो अभी आपने देखा वो Q1 में भी उन्होंने पे किया है, वहां से इसको रिलैक्स मिलेगा, कुछ कैश हाथ में रहेंगे जिससे ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज या जो और भी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे काम कर सकते हैं। दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ न्यूज आया है फ्रेंड, पहला तो आपको ये हो गया कि ये 10 ईयर से इसको 20 ईयर कर सकता है। दूसरा कि जो रिलीफ पैकेज पे जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो भी लास्ट स्टेज में है, वो भी बहुत ही जल्दी एक दो दिन में ही वो सामने आने वाला है कि रिलीफ और बाकी क्या रिलीफ दे सकती है, कुछ AGR ड्यूज कम हो सकता है और या कोई और तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, क्योंकि जो वोडाफोन के जितने भी न्यूज है मैक्सिमम न्यूज वो गवर्नमेंट के ही है। तो गवर्नमेंट यदि रिलीफ पैकेज बना रही है तो ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है वोडाफोन के लिए, और यदि वहां से कुछ रिलैक्सेशन मिलता है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा न्यूज होगा। इसके अलावा आप देखिए कि वोडाफोन कोशिश कर रही है फंड रेज करने का, और मार्केट में ये भी बात है कि करीब करीब 15,000 करोड़ के लिए वो किसी एक प्राइवेट इक्विटी फॉर्म से बात चल रहा है और FDI से, और वो ऑलमोस्ट वो भी फाइनलाइज्ड है बट अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा वोडाफोन ने 2-3 बातें की है, वो क्या, वोडाफोन अब वहां उस सेक्टर को फोकस कर रही है जहां से उसके रेवेन्यू ज्यादा आते हैं, तो जो 16 सर्कल है वहां से वो ARPU बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो OEMs और NBFCs की भी मदद ले रही है जिससे कि वो ऐसे सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई कर ले जहां से उनको ARPU ज्यादा मिले, ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है, वो यदि ज्यादा मिला तो इनका अच्छा खासा आप देखेंगे आने वाले टाइम में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरते हुए। इसके अलावा वोडाफोन ने अपने रेट भी रिवाइज कर दिए हैं, तो वहां से भी एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो रेट रिवाइज किया जो पहले 49 रुपीज का जो प्रीपेड वाला वाउचर मिलता था अब वो 79 का हो गया, और जो 199 का मिलता था वो 299 का हो गया। तो अब यहां से इसको एक बहुत अच्छी रेवेन्यू के सोर्स मिल गए और इसे बहुत अच्छा कैश जनरेट होगा, तो काफी पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं वोडाफोन में। तो अभी मुझे लगता है ये सही टाइम है, अभी प्राइस बहुत नीचे है वोडाफोन का, और अभी यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न इसमें हमें मिल सकता है। आप देखेंगे कि न्यूज के दम पे कल इसमें एक अच्छी खासी बढ़त भी आई थी और ये 6.45 तक चला गया था, बट वहां से फिर ये नीचे आ गया क्योंकि कन्फर्म सोर्स का भी पता नहीं चला है। सो फ्रेंड, इसमें आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रहिए, और ये रिस्की बेट हो सकता है क्योंकि अभी भी कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें इसमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, यदि कोई और अपडेट निकल के आती है मैं इमीडिएटली उसको लेके हाजिर हो जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो पसंद आएंगे तो उसको लाइक करिए, शेयर और फॉरवर्ड करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।